नमस्कार दोस्तों, मैं तुषार जैन, CFO और रिसर्च हेड एट जेस्टो मनी गुरु और तुषार ग्लोबल सर्विसेज .com की तरफ से आपका स्वागत करता हूँ। आज 16 मई सन 2023, आज के इस एपिसोड में हम चर्चा करने वाले हैं भारतीय शेयर बाजारों के बारे में और कच्चे तेल यानी कि क्रूड ऑयल के बारे में। तो भारतीय शेयर बाजारों के ऊपर आने से पहले हम थोड़ा सा अंतर्राष्ट्रीय बाजारों के ऊपर भी नज़र डाल लेते हैं। कल के सेशन में अमेरिका के तीनों ही इंडाइसेस, नासडेक, S&P 500 और डाउ जोन्स, तीनों ही स्लाइटली तेजी के साथ में बंद होते हुए दिखाई दिए। और पिछले दस दिनों में से कल का पहला दिन था जब डाउ जोन्स में तेजी के साथ में बंद हुए। और US के अंदर अभी भी डेट सीलिंग की जो कंसर्न्स है अभी भी मौजूद है। और एशियन मार्केट्स थोड़े से मिक्स्ड नज़र आ रहे हैं, चाइना के कुछ इकोनॉमिक डेटा जो कि पॉजिटिव आए उसके चलते। और SGX निफ्टी स्वाभाविक से कुछ लगभग 40-50 पॉइंट की तेज़ी दिखाते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी के साथ ही FIIs यानी कि विदेशी निवेशक और घरेलू निवेशक दोनों ही ने कल के बाज़ार में अब कैश मार्केट के अंदर नेट खरीदारी करते हुए वो दिखाई दिए। विदेशी निवेशकों ने 1,000 करोड़ से ज़्यादा की खरीदारी नेट भारतीय बाज़ारों में कैश मार्केट में करी। और विदेशी निवेशक लगातार भारतीय बाज़ारों के अंदर अब खरीदारी करते हुए दिखाई दे रहे हैं। और फिलहाल जो माहौल देखने को मिल रहा है, जो घरेलू स्तर है यानी कि डोमेस्टिक जो सेंटीमेंट्स है वो पॉजिटिव नज़र आ रहे हैं इंडिया में। और जो इंटरनेशनल यानी कि इंटरनेशनल और ग्लोबल सेंटीमेंट्स है वो स्लाइटली नेगेटिव फिलहाल नज़र आते हुए दिखाई दे रहे हैं। और कल के सेशन में बैंक निफ्टी ने अपना जो ऑल टाइम हाई था उसके करीब हाई लगाते हुए कल के सेशन में बैंक निफ्टी नज़र आया। और बैंक निफ्टी में आखिरी आधा घंटे के अंदर कुछ मुनाफा वसूली जरूर देखने को मिली जो कि स्वाभाविक भी है। फिलहाल निफ्टी अपने ऑल टाइम हाई से लगभग 500 पॉइंट की दूरी में है, लेकिन बैंक निफ्टी अपने पुनः अपने ऑल टाइम हाईस को अचीव कर लिया है। तो स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर कुछ मुनाफा वसूली की स्वाभाविक भी है और नेचुरल भी है। और कुछ स्पेशली छोटी अवधि के अंदर जरूर कुछ मुनाफा वसूली बैंक निफ्टी में देखी जा सकती है, इसके ऊपर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। इसी के साथ ही HDFC बैंक के जो 19 रुपये का डिविडेंड था वो आज एडजस्ट होने जा रहा है, जिसके चलते HDFC बैंक के प्राइसेस में भी कुछ उसका एडजस्टमेंट देखने को मिलेगा। और यदि हम ऑप्शंस की ओर नज़र डालें, ऑप्शंस चार्ट्स के ऊपर नज़र डालें, तो हम देख सकते हैं कल के सेशन में निफ्टी लगभग 18,400 के ऊपर बंद हुई। और 18,400 की जो पुट ऑप्शन है उसमें हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट देखने को मिल रहा है, जो कि ये दर्शाता है कि बाजारों के अंदर जो ऑप्शन राइटर्स हैं वो काफ़ी ऑप्टिमिस्टिक है, बुलिश है, स्पेशली निफ्टी के अंदर। लेकिन जब भी इस प्रकार की बुलिशनेस और कॉन्फिडेंस देखने को मिलता है बाजारों के अंदर, तब बाजार काफ़ी एक नाजुक मोड़ के ऊपर जरूर देखने को मिलते हैं। जब चारों तरफ एक अच्छी तेज़ी और ऑप्टिमिज्म का माहौल देखने को मिलता है, और तो वही जब कोई एक बुरी खबर बाजारों के लेकर यदि आती है तो वो काफ़ी बड़ा इम्पैक्ट मार्केट्स के ऊपर डाल सकते हैं। तो इसलिए हमें थोड़ा सा सतर्क भी रहना चाहिए, स्पेशली बैंक निफ्टी के अंदर, क्योंकि बैंक निफ्टी ने कल के सेशन में ही अपने ऑल टाइम हाईज को पुनः अचीव किया है। तो बैंक निफ्टी के अंदर जरूर छोटी अवधि के अंदर स्पेशली सतर्कता बढ़ते तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। अब हम चर्चा करने वाले हैं क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के बारे में। और यदि हम अब कच्चे तेल के ऊपर नज़र डालें तो हम देख सकते हैं कल के सेशन में कच्चे तेल के अंदर एक अच्छा अप मूव देखने को मिला था। यदि हम ब्रेंट ऑयल की तरफ नज़र डालें तो कल के सेशन में 73.54 से $75.71 का इसमें हाई देखने को मिला था, क्योंकि कल कुछ मुख्य खबरें देखने को मिली थी कि जो ऑयल प्राइसेस हैं उनमें तेज़ी देखने को मिली थी, क्योंकि US गवर्नमेंट ने जो उनका हैविली ड्रॉन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिज़र्व है जो कि पिछले कई महीनों से उसके अंदर वो
विड्रॉ करते हुए नज़र आ रहा है, उसको रिफिलिंग करने के ऊपर यूएस गवर्नमेंट ने कंफर्मेशन दी है, जिसके चलते क्रूड ऑयल की सप्लाई के ऊपर ज़रूर प्रभाव पड़ सकता है। और डिपार्टमेंट ऑफ एनर्जी ने सोमवार को कहा है कि वो 3 मिलियन बैरल्स खरीदने जा रहे हैं एसपीआर यानी कि स्ट्रैटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व के अंदर भरने के लिए। इसी के साथ ही चाइना के जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है और जो रिटेल सेल्स है वो एक्सपेक्टेशन से बेहतर बढ़ते हुए, माफ़ कीजिएगा, एक्सपेक्टेशन से कम यानी कि स्लोअर देन एक्सपेक्टेड उनकी वो बढ़ने की जो दर है वो आई है, जिसके चलते चाइना की तरफ से जो क्रूड ऑयल इंपोर्ट की जो एक्सपेक्टेशंस थी उसमें भी थोड़ा बहुत गिरावट देखने को मिली है। अब जो निगाह रहेगी वो रहेगी यूएस के जो रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के जो डाटा आने वाले हैं, वो आज आने वाले हैं, उनके ऊपर अब नज़र रहने वाली है कि वो डाटा कैसे आते हैं, इंडस्ट्रीज़ की तरफ से क्या डिमांड सामने आ रही है, उसके ऊपर भी काफ़ी नज़र रखनी पड़े रखनी होगी। और फिलहाल जो क्रूड ऑयल के अंदर जो आज के दिन और कल के सेशन में कुछ जो इजाफा देखने को मिला है बिकॉज ऑफ यूएस के जो स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व है उसके बढ़ाने के चलते, उसके अंदर कुछ अब मुनाफा वसूली देखी जा सकती है, क्योंकि चाइना की तरफ से जो इकोनॉमिक डाटा आया है इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के, रिटेल सेल्स के, वो एक्सपेक्टेशन से धीमे आए हैं। और इसी के साथ ही आज भी यूएस के रिटेल सेल्स और इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के डाटा आने वाले हैं, उसके ऊपर भी नज़र रहेगी। और ओवरऑल ग्लोबल डिमांड के अंदर भी एक गिरावट देखने को मिल रही है क्रूड ऑयल के ऊपर। तो आज के सेशन में कुछ यदि हम छोटी अवधि की बात करें तो क्रूड ऑयल यानी कि कच्चे तेल के अंदर भी कुछ मुनाफा वसूली देखी जा सकती है, इसके ऊपर हमें ज़रूर ध्यान देना चाहिए। आप हमारा स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर भी ज़रूर ध्यान से पढ़े कि ये सभी इंफॉर्मेशन रिसर्च और एनालिसिस केवल और केवल रिसर्च ट्रेनिंग और एजुकेशनल पर्पसेस के लिए है, किसी भी प्रकार के लाभ या हानि की जिम्मेदारी हमारे चैनल या विशेषज्ञ की नहीं होगी। और यदि आप कोई भी ट्रेड लेते हैं तो लेने से पहले आप अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से ज़रूर सलाह कर लें। तो आज के एपिसोड में इतना ही, आप देखते रहिए अजय एस्ट्रो मनी गुरु। थैंक यू एंड गुड डे।